आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उनके साथ मंच पे बैठे हुए देश की राजनीति को नई दिशा देने वाले लंबे समय तक जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, बहुत ही मान और सम्मान के योग पूर्व में पंजाब के रहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेरे बड़े भाई सरदार सुखबीर सिंह बादल जी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के उपाध्यक्ष सिद्दकी साहब, मेरे से पूर्व आपको संबोधित करके गए चौधरी देवीलाल के पुराने साथी श्री केसी त्यागी जी, भाई चंद्रशेखर आजाद साहब, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के देश के सभी बड़े नेतागण, मेरे साथ पूर्व में रहे विधायक चौधरी रामपाल माजरा जी, आज चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर पूरे प्रदेश भर से आए हुए बहुत ही आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के सभी जिला के जो अध्यक्ष हैं, पार्टी के हलका के जो अध्यक्ष हैं, पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों के जो संयोजक गण हैं, उन सबको बहुत ही हार्दिक बधाई देता हूं, उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने लगातार 24 फरवरी से लेकर के जिस दिन हमने इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करी थी उस दिन से लेकर के आज 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस तक आपने एक एक गांव में जाकर के, शहर और कस्बों में जाकर के, एक एक घर के अंदर जो निमंत्रण देने का काम किया, जिस ढंग से आपने जाकर के निमंत्रण देकर के लोगों को आमंत्रित किया, और आज प्रदेश भर के बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने चौधरी देवीलाल जी के प्रति जो सम्मान दर्शाने का काम किया, जो इतनी बड़ी लाखों की संख्या में आप सब आए, इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथियों, हम चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस जो है हर साल 25 सितंबर को अलग अलग जिलों में मनाने का काम करते हैं। हम चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस केवल इस बात के लिए नहीं मना रहे कि चौधरी देवीलाल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संस्थापक थे, बल्कि इसलिए चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं कि चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा कमेरे वर्ग के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी और कर्मचारी के लिए, जब किसी ने भी इन लोगों की अनदेखी करने की कोशिश करी, चौधरी देवीलाल ने सब कुछ त्याग करके उन लोगों के साथ खड़े होकर के उनको न्याय दिलाने का काम किया था।
हम केवल उनका जन्मदिवस इसलिए नहीं मनाते कि वो हमारे राजनीतिक प्रेरणा स्रोत थे, बल्कि हम उनका जन्मदिवस इसलिए मनाते हैं कि चौधरी देवीलाल जी ने एक नारा दिया था, लोकराज लोकलाज से चलता है। आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका ना कोई लोकराज में विश्वास है, ना कोई लोकलाज में विश्वास है। आज तो केवल सत्ता में बैठे लोग इस देश को लूटने में लगे हुए हैं। मुझे याद है पिछली दफा चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस के ऊपर 25 तारीख को आज की तरह अनेक राजनीतिक दलों के लोग इकट्ठा हुए थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनसे आग्रह किया था और कहा था कि अगर आप देश को बचाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इस देश से भाजपा सत्ता से बाहर हो, तो फिर आप सबको स्वार्थ की राजनीति त्याग करके, राजनीति से ऊपर उठ करके, अपने स्वार्थ को छोड़ करके इकट्ठा होना पड़ेगा। आज साथियों, आपने जिस ढंग से फिर से इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के आज जो मंच पे बैठे हुए नेताओं को एक मैसेज देने का काम किया, आज फिर आपने एक बार इस बात पे मोर लगा दी कि हरियाणा ने हमेशा परिवर्तन करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है। आज हम फिर परिवर्तन करने जा रहे हैं। जहां प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा, हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से बाहर करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। मैं साथियों, आपके और चौटाला साहब के बीच में ज्यादा समय न लेकर के दो चार बात आपसे करके अपना जगह अपना स्थान लेना चाहूंगा। हमने जब 24 फरवरी को परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी, जब आप लोगों के आशीर्वाद से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ था, तो लोग तरह तरह की बातें आपकी यात्रा पे किया करते थे। लेकिन बधाई देता हूं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने यात्रा शुरू होने के बाद पीछे मुड़ करके देखने का काम नहीं किया। जिस किसी ने भी आपकी यात्रा पे उंगली उठाने की कोशिश करी, आपने उन्हें कड़ा संदेश देने का काम किया, कड़ा जवाब देने का काम किया। हमने जहां यात्रा 4000 किलोमीटर की पूरी करने का काम किया, वहीं मैं 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में जाकर के लोगों से मिला। लाखों लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था और कहा था कि अब की बार हम जहां भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने में आपका साथ देने का काम करेंगे, वहां खुले तौर पे यह भी कहा था कि हमने कांग्रेस का 10 साल का राज भी भुगता है, हम कांग्रेस को भी सत्ता के नजदीक नहीं फटकने देंगे। हम हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 2024 में सत्ता में लेकर के आने का काम करेंगे। जहां साथियों, लोगों ने इस तरह का आशीर्वाद देने का काम किया, आज इतनी बड़ी संख्या में फिर आपने आकर के इस बात पे मोर लगा दी कि आने वाला कल जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है, आने वाले कल में फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश में सत्ता में काबिज होगी। वहीं मैं एक बार फिर मंच पे आए हुए नेताओं का, जिनको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने निमंत्रण देकर के चौधरी देवीलाल जी की सम्मान दिवस रैली के लिए निमंत्रण दिया, बुलाया, आप सब नेताओं ने समय निकाल करके आज जो हरियाणा की जनता को विश्वास दिया, जो हौसला आपने हम सबका बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वहीं उसके साथ साथ एक बात कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से हमने उस परिवर्तन यात्रा के दौरान
लोगों का विश्वास जीतने का काम किया था। अभी हमारी यह परिवर्तन यात्रा पूरी नहीं हुई है, हम इस यात्रा को तब तक जारी रखेंगे जब तक हरियाणा प्रदेश से भाजपा जजपा की सरकार सत्ता से बाहर नहीं हो जाएगी। मैं बहुत जल्द आपके बीच में कार्यक्रम फिर से बनाऊंगा। 15 अक्टूबर के बाद कल ही मीटिंग करके बैठ करके आपस में बातचीत करके कार्यक्रम की घोषणा कर देंगे। 15 अक्टूबर से फिर से पूरे प्रदेश के अंदर जो गांव मेरे बच गए उन एक एक गांव में जाकर के लोगों से मिलने का काम करूंगा, लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा जो पुराना कार्यकर्ता था जो किसी वजह से भावनाओं में बह करके कहीं ना कहीं भावुक होकर के हमें छोड़ करके कहीं दूसरे लोगों के साथ चला गया था, आज वो समूचा कार्यकर्ता फिर से पार्टी में वापसी कर चुका है। जो कोई साथी आज भी किसी छोटी मोटी गफलत की वजह से पार्टी से सत्ता से अलग है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो घर की वापसी करने का काम करे, हम उन्हें फिर मान सम्मान देंगे। जहां हम उनको मान सम्मान देंगे वहीं साथियों आने वाले समय में हम उन लोगों को पार्टी के अंदर मान सम्मान देने के साथ साथ जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कार्यकर्ताओं को जान से ज्यादा अपने साथ समझा, हम उसी तरह उनको अपने साथ लगाने का काम करेंगे। मैं आपके और चौटाला साहब के बीच में ज्यादा समय न लेकर के आज जो साथी अलग अलग पार्टियां छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुए हैं मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उसके साथ साथ मैं पार्टी के कैथोलिक इकाई के सभी पदाधिकारियों का कार्यकर्ताओं का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत अच्छे आयोजन करने का काम किया, एक सफल आयोजन करवाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। मैं आज जो प्रेस के साथी बड़ी संख्या में आए हैं उन सबका भी स्वागत करता हूं, उन सबका भी अभिनंदन करता हूं। वही एक बार मंच पे बैठे हुए नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने आकर के ना केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत दी बल्कि हरियाणा के लोगों में एक नया विश्वास पैदा करने का काम किया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सब आए इसके लिए आपका बहुत आभार है। अब मेरे बाद आपके बीच में मैं ही मंच से सरदार सुखबीर सिंह बादल जो पूर्व में डिप्टी चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं, जिनका और हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं, जिनके साथ हमारा हमेशा एक पारिवारिक रिश्ता रहा है, मैं उनको आपके बीच में आमंत्रित करना